आत्मीय रेसिपी है माकरोनिया बिशमे, माकरोनिया बिशमे कोडी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार देख लिए बाद बनाइए। ओके दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं माकरोनिया बिशमे। आधा किलो है, आधा किलो माकरोनिया, दो डाली बारीक प्याज काट लिया है, आधा लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच तेल, आधा कटा फ्रेश धनिया, जीवन है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा वो माकरोनी बनाने के लिए गोश्त में डालने के लिए, दो टमाटर बारीक कर लिया है, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक ये करी पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर एक टी स्पून, ये आटा, ये दूध का पाउडर, ये शक्कर है एक बड़ा स्पून, थोड़ा सा नमक है, ये एक क्रीम है, एक क्रीम नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा दूध डालेगा तो आ जाएगा, ये पानी है क्रीम क्रीम बनाने के लिए। ओके फ्रेंड अभी आटा इसमें सेक लेने का, माकरोनी इसमें उबाल लेने का। ओके फ्रेंड सबसे पहला चूल्हा चालू कर रहा हूँ, प्याज गर्म हो गया है, 3 टेबलस्पून तेल डाला है हमें, प्याज थोड़ा लाल हो गया था, आधा किलो है, अच्छा सा कड़क हो गया है, अच्छे से ऐसा गलने का पहला, बाद में हल्दी डाल रहा हूँ हाफ टी स्पून, दूसरा चलता नमक, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून डाल के मिक्स कर लेंगे थोड़ा, अच्छा से अच्छा बात आ रही है, फ्रेश धनिया आधा कट्टा, अभी मिक्स कर लिया, अच्छा मिक्स कर लेने का, अभी हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून करी पाउडर, दो टमाटर बारीक काट लिया था ना वे डाल रहा हूँ, डाल के अच्छा टमाटर नरम पड़ने का तब तक, अभी एक टमाटर पेस्ट डाल रहा हूँ, गोश्त खत्म हो गया है, 5 मिनट में हो जाता है ये गोश्त, बाद में इसके बाद क्रीम बनाने, थोड़ा गर्म होने तक वेट करेंगे, बाद में बंद कर दूंगा। देखिए फ्रेंड गोश्त हो गया है, अभी गोश्त निकाल देंगे, पनीर रखूँगा मैं, नमक, थोड़ा सा तेल, गर्म हो गया थोड़ा, आप लोग चाहिए तो पूरा पैकेट डाल सकते हैं, मैं थोड़ा वाला ज़्यादा नहीं दूँगा तो इसके लिए मैं माकरोनी पके तक मैं बंद कर दूंगा थोड़ा, इसके बाद में मैं फ्रेंड ऐसा तवा रख लिया है, अभी मैदा है, मैदा रख के लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं चालू कर लिया है, अभी बारीक आंच रख के, बारीक आंच रख के तवा में
సెట్లేనాక జూట్కా పౌడర్, చక్కర్, నమ్మక్, అచ్చాసే థోడా సేక్ లేక ఎక్ 10 మినిట్ నీచే దాగ్ నీ లగనే కా లుక్తో దేఖేంగే బనానే కా దేఖే ఈ ఆటా రెడీమేడ్ మిల్తా హై లేకిన్ మై మేరే ఫ్రెండ్ ఆటా హో గయా హై మే చులా బంద్ కర్ దూంగా బంద్ కర్ దియా హై అభి యే పానీ రఖ్ లియా హై అభి ఇస్మే యే డాల్ రహా హూం ఈ ఎక్ దాగ్ ఈ ఆటా మిక్స్ కరేగా బాద్ ఏసా బోల్ లాగే తినో సాథ్ మే లాయేంగే ఇంకే ఫ్రెండ్ ఈ జీవన్ ఇస్మే డాల్ దేనేగా థోడా జో హమనే దూధ్ క్రీమ్ బనా లియా థా థోడా జాడా చాహియే देखिए पतला है जो मैंने साइज डाला था वो बराबर है देखिए फ्रेंड जाड़ा होने का आटा ये भी डाल लूँ विलास में जीवन डालेंगे पिज्जा जीवन ఆటా దిగలి ఇసానే ఆటా సేమ్ ఇన్ స్టెప్ కదా మీ ఆది ప్యాకెట్ డాలా హై జీవన్ దేఖే ఫ్రెండ్ క్రీమ్ హోగీ హై క్రీమ్ ఇసానే కా దేఖే ఫ్రెండ్ క్రీమ్ ఇసానే కా పత్లి హో జాయేగా తో కామ్ ఖరాబ్ హో జాయేగా క్రీమ్ ఠీక్ హై ఫ్రెండ్ చూల్లా బంద్ కర్ దియా హై అభి ఈ పూరా రెడీ కర్ లియా హై క్రీమ్ మాక్రోనీ గోష్ థోడా సా తెల్ బచా హై ఐసా వాలా కోయి బర్తన్ లేకే ఇస్మే సెటింగ్ కర్కే బాద్ మే ఓవన్ మే రఖనే కా అభి చలే దేఖే ఫ్రెండ్ పహలా लिया है अभी मैक्रोनिया देखिए फ्रेंड पूरा छलिया है अभी गोश्त डालने का आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं कम जो ఫ్రెండ్ గోల్ అచ్చా దాలియా హై అభి థోడా సా జ్యాదా నే డాలనే కా డాలా హూం అభి గోష్ బోలా నా ఆప్కో జ్యాదా చాహియే తో జ్యాదా డాలో మే బస్ ఏక హీ పార్ట్ డాలా ఆప్ దో తీన్ పార్ట్ భీ డాల్ సక్తే హై మే ఏక హీ పార్ట్ డాలా దేఖియే ఫ్రెండ్ ఐసా దాలియా హై అభి క్రీమ్ థోడా थोड़ा जाड़ा होने का उसको थोड़ा गर्म कर लेने का उसको तो अभी जाड़ा आएगा तो अच्छा है नीचे पतला फ्रेंड जाड़ा कर लिया है दोबारा मैं जाड़ा कर लिया है अभी इतना मोटा आने का क्रीम अभी मैक्रोनी के ऊपर डालेंगे देखिए फ्रेंड पूरा जमा लिया है अभी देखिए फ्रेंड अच्छा से बैठने का देखिए फ्रेंड पूरा
ओके, थोड़ा सा तेल, बिशमिल, देखिए फ्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा ऊपर लाल आने का, लाल आएगा तो ख़त्म हो गया सका। अगर हम लोग ऊपर लाल करने के लिए ऊपर आंच से चालू किया मैं, तभी थोड़ी देर बंद करूँगा, अब निकाल देगा मैं। अगर आपके घर में ऊपर नहीं है तो मुश्किल नहीं है, बस नीचे से काम चलेगा थोड़ा लेट से। देखिए फ्रेंड हो गया है, अभी मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ, देख लिए। माकरोनी बिशमिल कैसी लगी? मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वही दोस्तों क्या बात।